हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पूर्वी स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हेल्थ एंड होम्योपैथी पे। आज हम बात करने वाले हैं गाउट के बारे में, यानी कि हाई यूरिक एसिड लेवल्स। हाई यूरिक एसिड लेवल्स के क्या कॉजेज है, क्या सिम्टम्स है, रिस्क फैक्टर क्या है, उसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है और हमको क्या प्रिवेंशन लेना है यूरिक एसिड को रिड्यूस करने के लिए, और होम्योपैथी हमको कैसे हेल्प करेगा यूरिक एसिड के लेवल्स को रिड्यूस करने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसके बाद के जो भी वीडियोज़ मैं डालूंगी उन सबका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। गाउट जो है वो यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ने की वजह से होता है। यूरिक एसिड लेवल कब बढ़ते हैं बॉडी में? जब प्यूरिन का इंटेक बढ़ जाता है। प्यूरिन ये एक सब्सटेंस है जो बॉडी में नेचुरली भी प्रेजेंट होता है और कुछ फूड में भी प्यूरिन होता है। अगर उसका इंटेक हमने ज़्यादा किया तो भी प्यूरिन बढ़ जाता है। जैसे फूड लाइक सी फूड, मीट, स्टीक, इन सब में भी प्यूरिन बहुत ज़्यादा होता है। जब बॉडी में प्यूरिन बढ़ता है तो प्यूरिन ब्रेक डाउन होकर यूरिक एसिड बनता है। और कुछ लोग अगर ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, स्पेशली बियर या फिर ऐसे ड्रिंक्स विच आर स्वीटेंड विद द फ्रूट शुगर दैट इज़ फ्रक्टोज, उसमें भी नेचुरली यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो बॉडी में जब यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो यूरिक एसिड यूरेट में कन्वर्ट होता है। यूरेट जो है वो क्रिस्टल्स है, जो शार्प नीडल लाइक क्रिस्टल्स है, जो जॉइंट में जाके अक्यूमुलेट होते हैं। और जब वो अक्यूमुलेट होते हैं तो उसकी वजह से जॉइंट में पेन, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन होता है। स्पेशली जो जॉइंट अफेक्टेड रहता है वो है ग्रेट टो। ग्रेट टो का बिगर जॉइंट जो रहता है वो ज़्यादा अफेक्टेड रहता है। जो यूरिक एसिड है वो नॉर्मली डिजॉल्व हो जाता है ब्लड में और किडनी उसको एक्सक्रीट करती है यूरिनेशन में। लेकिन कभी कभी यूरिक एसिड का लेवल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यूरिक एसिड नॉर्मल है पर किडनी जो एक्सक्रीट कर रही है वो बहुत कम अमाउंट का यूरिक एसिड एक्सक्रीट कर रही है, तो इन एनी केस यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा और उसकी वजह से यूरेट क्रिस्टल फॉर्म होकर डिपॉजिट होकर पेन, इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग कॉज करेंगे अफेक्टेड जॉइंट के यहाँ पे। अब बात करते हैं यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ने से क्या क्या सिम्टमेटोलॉजी होता है। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट और फर्स्ट सिम्टम जो होता है, जो जॉइंट अफेक्टेड होता है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। यूजुअली जो जॉइंट अफेक्ट होता है वो ग्रेट टो का बिगर जॉइंट है। मतलब ग्रेट टो के जॉइंट के बेस में जाके यूरेट क्रिस्टल डिपॉजिट होते हैं और बहुत ज़्यादा पेन कॉज करते हैं। लेकिन दूसरे जॉइंट्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, जैसे रिस्ट में भी हो सकता है प्रॉब्लम, और नी जॉइंट में भी हो सकता है, एल्बो जॉइंट में भी हो सकता है और फिंगर जॉइंट्स में भी हो सकता है। उसके बाद उसमें बहुत ज़्यादा रेडनेस रहेगी पेन के साथ, स्वेलिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा टेंडर रहेगा, टच पे भी पेन करेगा और स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म रहेगी। उसके बाद पेन अगर एक बार सबसाइड हो भी गया बट जॉइंट का डिस्कम्फर्ट रहेगा ही। और अगर गाउट प्रोग्रेस हुआ और आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया प्रॉपरली और उसको छोड़ दिया तो वो इंटरनली प्रोग्रेस होता जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट भी डैमेज हो सकता है। अगर गाउट को प्रॉपरली ट्रीट नहीं किया या उसको नेग्लेक्ट किया तो उसमें सेकेंडरी चेंजेस होके इन्फेक्शन भी हो सकता है और उसकी वजह से फीवर भी डेवलप हो सकता है। फीवर डेवलप होता है तो यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर। अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर्स के बारे में, किन लोगों में यूरिक एसिड हाई होने के चांसेस ज़्यादा है। जो स्पेशली जो लोग मीट बहुत ज़्यादा लेते हैं, सी फूड लेते हैं, या फिर जो लोग अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पेशली बियर, और उसके बाद कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्वीटेंड ड्रिंक्स लेते हैं, स्पेशली ड्रिंक्स विच आर स्वीटेंड विद द फ्रूट शुगर दैट इज़ फ्रक्टोज। उसके बाद जिन लोगों में ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, ओवरवेट से भी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और उसके लिए कुछ डायुरेटिक्स ले रहे हैं और डायुरेटिक्स का ओवर यूज़ किया है तो भी बॉडी में यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ जाते हैं। या फिर अगर किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट सर्जरी हुआ है और उसकी वजह से एंटी रिजेक्शन ड्रग्स लिए हैं तो भी बॉडी में एंटी रिजेक्शन ड्रग्स लेने की वजह से यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ जाते हैं। अगर आपके फैमिली में किसी को गाउट का प्रॉब्लम है तो भी आप बहुत ज़्यादा रिस्क पे हो गाउट डेवलप करने के। जब बात जेंडर की करेंगे तो मेल्स आर मोर प्रोन टू डेवलप गाउट कंपेयर टू द फीमेल्स, बिकॉज फीमेल्स में टेंडेंसी होती है लो यूरिक एसिड लेवल्स की। फीमेल्स में आफ्टर मेनोपॉज चांसेस होते हैं गाउट डेवलप होने के, और मेल्स में जो है वो अर्लियर एज में गाउट डेवलप हो सकता है, दैट इज 30-50 ईयर्स ऑफ द एज। अब बात करेंगे कॉम्प्लिकेशंस ऑफ गाउट के बारे में।
सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है कि रिकरेंसी ऑफ द गाउट, कुछ लोगों में गाउट होता है फिर रिपीट नहीं होता, पर कुछ लोगों में रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होती है। जब गाउट बहुत ज़्यादा रिकरेंट होता है तो उसको ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने उसको अनट्रीटेड छोड़ा तो जॉइंट जो है वो डैमेज हो जाएगा। उसके बाद आता है एडवांस गाउट, मतलब जब गाउट होता है तो यूरिक एसिड जो है वो यूरेट क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन एडवांस गाउट में क्या होता है, जो यूरेट क्रिस्टल्स है वो टोफाई में कन्वर्ट होता है। टोफाई जो है वो नोड्यूल्स है। जब जब गाउट अटैक होता है तो ये टोफाई स्वोलन हो जाते हैं, तो और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है जॉइंट का। तीसरा कॉम्प्लिकेशन है किडनी स्टोन, जो कि काफ़ी कॉमन है। तो जो यूरेट क्रिस्टल बनते हैं यूरिक एसिड में वो जाके अक्यूमुलेट होते हैं यूरिनरी ट्रैक में, जिसकी वजह से किडनी स्टोन होता है। अगर हम प्रॉपरली गाउट को ट्रीट करेंगे तो हम किडनी स्टोन होने से रोक सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या प्रिवेंशन लेना है यूरिक एसिड लेवल्स को रिड्यूस करने के लिए। अगर आपको ये सब सिम्टम्स है, जैसे रेडनेस, पेन, स्वेलिंग, किसी भी जॉइंट में अगर ये सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो पहले आप आपका ब्लड टेस्ट करवाइए, सीरम यूरिक एसिड लेवल्स चेक कीजिए। अगर वो ज़्यादा है तो आपको ये सब प्रिवेंशन लेने हैं। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है वाटर इंटेक, आपको पानी का इंटेक बढ़ाना है। अगर पानी का इंटेक बढ़ाओगे तो किडनी बहुत इजीली एक्सक्रीट कर पाएगा यूरिक एसिड को बॉडी से। उसके बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले रहा है, जैसे बियर, तो प्लीज़ उसका इंटेक कम कीजिए, तो आपके बॉडी में यूरिक एसिड लेवल्स रिड्यूस हो जाएंगे। उसके बाद सी फूड का इंटेक रिड्यूस कर दीजिए, मीट का इंटेक रिड्यूस कर दीजिए, बॉडी के वेट को मैनेज कीजिए। वेट को मैनेज करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि वेट लॉस फास्टिंग से कम करना है या रैपिड वेट लॉस भी नहीं करना है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा रैपिड वेट लॉस करोगे, ज़्यादा फास्टिंग करोगे, तो बॉडी में यूरिक एसिड लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे। अब बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, होम्योपैथी कैसे आपको हेल्प करेगा गाउट के सिम्टम्स को रिड्यूस करने में। सबसे पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट बताऊंगी जिसका नाम है बर्बेरिस पेंटार्कन। ये शॉबे कंपनी का प्रोडक्ट है। ये आपको दिन में 3 बार दो 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 टैबलेट्स लेना है। ये आपको हेल्प करेगा यूरिक एसिड इंक्रीज होने से जो भी सिम्टोमेटोलॉजी होता है उसको रिड्यूस करने में। उसके बाद एक मेडिसिन है जिसका नाम है अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर। ये मेडिसिन आपको दिन में 3 बार 10-10 ड्रॉप्स आधा कप पानी में लेनी है। ये मदर टिंचर लेने से बॉडी में यूरिक एसिड लेवल्स रिड्यूस हो जाएंगे। ये हुई स्पेसिफिक मेडिसिन की बात। स्पेसिफिक मेडिसिन से आपके गाउट के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन अगर आपका गाउट रिकरेंट है, आपको बार बार गाउट का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी लेंगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके लिए आप आपके नियर बाय डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर आप मुझे कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि आप इसके बाद और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो देखना पसंद करेंगे। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके फैमिली ग्रुप्स में, आपके फेसबुक पे, ताकि इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है गाउट से रिलेटेड, उसका एडवांटेज मैक्सिमम लोग उठा पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।